ओके डिगर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिलिंग द बिलेंगस विच आर बेस्ड ऑन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब बट बिफोर डूइंग स्टार्ट एनीथिंग वी मस्ट गो थ्रू द डायरेक्शन सो इन द डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब यानी हमें क्या करना है जितने भी यहाँ पर रेगुलर या इरेगुलर वर्ब लि लि लिखी हुई है ठीक है उनके हमें बेसिकली बेस्ट प्रिंसिपल पार्ट को यहाँ पर चूज़ करना है देखिए हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है यहाँ पे यहाँ पर लिखा हुआ है पहला फिल इन द ब्लैंक्स द काइट हैज बीन फिल अप एंड गेल इन टू द एयर यानी देखिए गेली का मतलब ये होता है कि जो काम ईजिली हो रहा हो यानी कि जो काइट है पतंग है वो आसमान में ईजिली क्या कर रही है फ्लो कर रही है यानी कि फ्लाई कर रही है उड़ रही है वो आराम से ईजिली तो देखिए अभी यहाँ पे इन तीनों में से हमें क्या बेस्ट फॉर्म यूज़ करनी है जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट अगर मैं फ्लाई की बात करूँ तो फ्लाई लिखा है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट फ्लाइट लिखा है यहाँ पे सिंपल पास्ट यानी जिसको हम बोलते हैं की सेकंड फॉर्म और फ्लोन यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है की थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल अब इन तीनों में से मुझे यहाँ पे एक फॉर्म यूज़ करनी है अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ देखिए स्टूडेंट जहाँ पर भी बीन का यूज़ होता है बी ई एन बीन राइट आप हमेशा याद रखिए बीन के बाद हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और हमें पता है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल क्या है यानी कि जिसको हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोन तो इसका आंसर क्या होगा फ्लोन राइट इतना समझ में आ रहा है नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट फिल्म में क्या कह रहा है द एलिफेंट्स आर फिलप इन इंडिया एज वेल एज इन अफ्रीका अब देखिए यहाँ पे फाइंड फाइंड फाइंडिंग फाउंड यानी कि कुछ ना कुछ फाइंड मतलब पाना होता है तो अगर मैं इस पूरे फिलप का अगर मीनिंग निकालू हिंदी में तो यहाँ पे तो मीनिंग ये बैठ रहा है कि जो हाथी है एलिफेंट है वो इंडिया में भी पाए जाते हैं और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं राइट इतना समझ में आ रहा है आपको अच्छा आप मुझे बताइए कहीं पे कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कंटिन्यूटी का सेंस अब देखिए हमें क्या करना है बेसिकली आप ये देखिए जहाँ पर भी आर आता है आर आई इज आई या फिर एम आई अब उसके बाद अगर हमें कोई वर्ब यूज़ करनी होती है तो या तो वो यूज़ करनी होती है हमें आई एन जी फॉम में आई एन जी फॉम में जैसे फाइंड लिखा हुआ है इसके बाद यूज़ करना होगा हमें फाइंडिंग ठीक है या फिर या हमें इसके बाद यूज़ करनी पड़ती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल राइट अब आप ये देखो यहाँ पे आई एन जी तो बेसिकली हम यूज़ कर नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या कंटिन्यूटी का सेंस निकल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूटी का सेंस नहीं निकल रहा है यानी कि जहाँ पर भी कंटिन्यूटी का सेंस निकलेगा वहीं पर हम आई फॉर्म का यूज़ करेंगे और जहाँ पर कंटिन्यूटी का सेंस नहीं निकल रहा होगा तो वहाँ पे बेसिकली हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और मुझे पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल वो है यहाँ पर फाउंड इतना समझ में आ रहा है नेक्स्ट <coughs> हम आगे बढ़ते हैं देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा द टीचर आस्कड स्टूडेंट्स यानी कि टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा टू द लेक्चर टमोरो यानी कि लेक्चर को अटेंड करने के लिए टमोरो यानी कल राइट अब देखिए मैं यहाँ पर भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ पर भी टू लिखा रहता है यानी कि टू टू के बाद हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट तो अब आप मुझे खुद बताइए अटेंडिंग ये तो क्या लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों क्योंकि हमें पता है की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छा यहाँ पे अटेंड लिखी है की फर्स्ट फॉर्म और अटेंडेड ई डी जिस क्लास में ईड लग जाए या तो वो बनता है सिंपल पास्ट या फिर वो बनता है पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल तो मुझे पता है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं की फर्स्ट फॉर्म वो क्या है यहाँ पे अटेंड तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर अटेंड राइट देखिए इस तरह के है ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं फिलिंद फिलिंद अवलेंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसको है ना आप थोड़ा ध्यान से समझने की ट्राई कीजिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है डॉक्टर अंबेडकर हैड टू देखिए फिर अगेन मुझे पूरा भी सेंटेंस पढ़ने की नीड नहीं है यहाँ पे मुझे क्या पता चला है यहाँ पे क्या आ रहा है टू और मुझे पता है कि टू के बाद हमेशा क्या आती है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रजेंट तो मुझे पता है यहाँ पर की फर्स्ट फॉर्म क्या है स्पैंड अच्छा मुझे कैसे पता है कि स्पेंड ही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डियर फ्रेंड्स या डियर स्टूडेंट्स मैंने सभी के सभी रेगुलर या इरेगुलर फॉर्म को याद किया हुआ है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मैजिक कर रहा हूँ ठीक है तो आप भी अच्छे से गो थ्रू होइए सभी रेगुलर और इरेगुलर वर्ग की लिस्ट से राइट अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा अ मैन मे यूजली बी राइट अब एक चीज़ और बता रहा हूं मैं आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी राइट अब देखिए जहां पर भी बी आता है तो बी के बाद आप हमेशा याद रखिए बी के बाद हमेशा आता है वर्गीय थर्ड फॉर्म और ऐसा नहीं है कि बी के बाद वर्गी थर्ड फॉर्म केवल इसी सेंटेंस में आएगी यानी कि जो भी सेंटेंस आपके सामने आए राइट और उसके और उसमें बी आपको गिवन हो तो उसमें हम हमेशा और हमेशा यूज़ करते हैं वर्गी थर्ड फॉर्म अब आप मुझे खुद बताइए यहाँ पर वर्ग थर्ड फॉर्म क्या होगी क्या टू नो होगी ये तो इन्फिनेटिव होता है मुझे पता है कि मैं की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड करता हूँ तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू के एन ई डब्ल्यू ये है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और नॉन ये है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा आंसर क्या होने वाला है हमारा आंसर होना है होने वाला है वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट स्टूडेंट आगे आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट आता है हमारा पीपल वॉन्टेड पीपल वॉन्टेड अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कहीं पर भी किसी भी सेंटिस सेंटेंस में वोट लिखा हुआ देखें राइट तो वोट के बाद हमेशा है ना आपको टू लगा हुआ मिलेगा राइट और देखिए यहाँ पे, और जब टू लगा हुआ मिल रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि इसका पहला आंसर क्या होना है टू कम्युनिकेट तो देखिए मैंने पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ा है मुझे देखते ही ना समझ में आ रहा है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है आगे बढ़ते हैं आगे कह रहा है कि दिस पैसेज एक्सप्लेन्स दैट देखिए ये जो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है ना ये स्पेलिंग यहाँ पे रोंग लिखी हुई है यानी कि एक्सप्लेन कहना चाह रहे हैं यहाँ पे तो अब आप मुझे खुद बताइए यहाँ पे एक्सप्लेन की क्या सही स्पेलिंग हो सकती है यहाँ पर एक्सप्लेन की स्पेलिंग हो सकती है सही बिल्कुल ये सेकंड तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात थी नहीं आगे बढ़ते हैं एट एट आता है हमारा ये कह रहा है यहाँ पे अराइज ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंपल पास्ट यानी कि सिम्पल पास्ट का मतलब क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट यानी कि इसने हमें यह कहा है कि एराइज की मुझे वर्ब की सेकेंड फॉर्म बतानी है तो मैंने तो याद किया हुआ है अगर आपने याद नहीं किया है तो आप भी याद कर लीजिए तो एराइज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है यहाँ पे एरोज राइट right? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है अवेक अवेक सिंपल पास्ट अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म राइट right? और वर्ब की सेकेंड फॉर्म अवेक की क्या होती है अवेक की सेकेंड फॉर्म होती है अवोक ए डब्ल्यू ओ के ई और थर्ड फॉर्म होती है अवोकन तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवोक आगे बढ़ते हैं सिंक राइट सिंह अगेन लिखा हुआ है सिंपल पास तो सिंह के सेकंड फॉर्म होते देखिए देखिए स्टूडेंट मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है पसंद आ रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अंदर भी एंथ्यूजियाज्म बढ़े वीडियो बनाने का आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है किलिंग राइट किलिंग का मुझे बताना है पास्ट पार्टिसिपल और देखिए पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्क भी थर्ड फॉर्म या तो आप बोलो वर्क भी थर्ड फॉर्म या फिर आप बोलो पास्ट पार्टिसिपल और मुझे पता है कि किलिंग की थर्ड फॉर्म होती है कलंग सी एल यू एन जी कलंग राइट right, स्टूडेंट्स एक ऑर्डर लेते हैं लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ टीयर अगेन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्क थर्ड फॉर्म तो आप मुझे बता सकते हैं कि टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है क्या टोर होती है टोर स्पेलिंग सेम लिखी हुई है यहाँ पे नहीं स्टूडेंट यहाँ पर की सेकंड फॉर्म होती है टोर राइट right? अगर मैं इसकी थर्ड फॉर्म की बात करूँ तो थर्ड फॉर्म होती है टोन टी आर टोर टोन टी ओ आर एन टोन तो इसका करेक्ट आंसर होना है टोन राइट right? तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आने वाला था वो किसी मिस्टेक की वजह से हो सकता है कि नहीं लिखा गया हो तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए टोर्न टी ओ आर एन टोन तो इसका आंसर क्या होना है टोन राइट स्टूडेंट्स ओके थैंक यू सो मच